बहुत प्यार से अपने पूजा के स्थान पर अगर आपने बनाया हुआ तो बड़े प्यार से बैठें, धूप दीप जलाएं बड़े प्यार से, और उसके बाद जिस आसन से आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन पर बैठें। आसन लगा लिया, पहले डिसाइड कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, कौन सा नाम, कौन सी मूरत, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और रहते रहते भाता है, रहते रहते निकलता है। मुझे एक किस्सा याद है, साउथ का एक आदमी आया यहाँ पर भंडारे के ऊपर, उसने जब पूजा का टाइम आया तो नाम लिया साई राम। सुबह 5 बजे से बैठा बैठा रात को 10 बज गए, उसका मसला ही हल नहीं हुआ, उलझन में फंसा रहा। ये मन की उलझन है बहुत जबरदस्त, और अगर मन 15 दिन 20 दिन उलझन में फंसा रहा तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है या अग्रेसिव हो जाता है, और अगर दिमाग हल्का चलता है तो कहते हैं भाई डिप्रेशन में आ गया, तेज चलता है तो कहते हैं भाई अब इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसको दवाई दिलाओ जाके। हम परमात्मा को माने या ना माने जरूरी नहीं है, पर अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी बैलेंस्ड लाइफ कैसे व्यतीत कर सकते हैं, और बैलेंस्ड लाइफ में व्यतीत करने के लिए हमको ध्यान करना बहुत जरूरी है, पूजा पाठ में ध्यान ऐड करना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे तीन शरीर हैं, पहला स्थूल शरीर, इसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर हैं, और जब हम सोते हैं तो क्रिया क्या होती है कि ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करते हैं, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना आँख देखने का काम करती है, ना सुनने का। ये सारी इंद्रियां हमारे मन में से मिट जाती हैं, और रात को खाते नहीं, जितना दिन में खाते हैं उसका 1/3 पोर्शन भी रात को नहीं खाते। सुबह उठते हैं तो फुल एनर्जी से उठते हैं, और मन को काम करने की आदत बनी होती है कि चलो नया सवेरा शुरू हुआ, अब नया काम शुरू किया जाए। अगर आपको नींद आए किसी वजह से तो सुबह के समय हम काम नहीं कर सकते, हमारा आलस बना रहेगा, उसको दूर करने के लिए नींद का आगमन और नींद का लेना बहुत जरूरी है। अब क्या है, हमारा मन जो है 24 घंटे चल रहा है, शरीर को आराम दे दिया सो के, मन को आराम कैसे दिया जाए? मन को आराम देने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं है। ऋषियों ने, महर्षियों ने इस चीज को जाना कि मन को आराम देना बहुत जरूरी है, अगर मन बराबर चलता रहेगा तो तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आते रहते थे, और हमारा मन बहुत तेज गति से चलना शुरू कर देता है, कभी सीधे विचार आएंगे, कभी उल्टे विचार आएंगे, इतना परेशान और पजल हो जाएगा कि हम ये सोच नहीं सकते कि हम करें क्या। और ये 99% देखा है इस चीज को, तो उसके लिए जो महर्षि हैं उन्होंने कहा कि अपने मन को एक तरफ लगा दो। होगा क्या, जब एक तरफ लगाएंगे तो मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मन कहेगा कि वह सब चल रहा है पर मन खाली है। जैसे ही मन खाली हुआ वैसे ही आत्मा में सिमट जाता है, उसके बाद इतने सुंदर सुंदर विचार आते हैं, इतना आराम मन को मिलता है, थॉट्स इतने प्यारे आते हैं, सेवा भाव ये सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरे की मदद करने की इच्छा आती है, अपने से सेवा करने की इच्छा आती है, ट्रू सेवा होती है उस टाइप पर, तो बहुत जरूरी है। अब क्या है कि हम करें कैसे, सबसे बड़ी बात तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपकी परमात्मा का नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुने, जो मूरत आपको सबसे ज़्यादा अपने परमात्मा की लगती है उसको चुने, बड़े प्यार से बैठिए, जो पोज परमात्मा की स्वरूप का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको सामने बैठ के बनाए अपने बाई थॉट ख्याल से। ये समझिए कि वो परमात्मा सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपके आपके इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी आपका मन लगेगा, और कोई विचार आएगा ही नहीं उनके सामने। अगर यही प्रैक्टिस आपने 15 दिन कर ली तो 16वें दिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही आपका वो समय आएगा पूजा करने का या ध्यान करने का,
ऑटोमेटिक आपको याद आएगी कि आज कुछ छूट गया हमारे से, इतना सुंदर मन बनता है आके। जब सामने स्पष्ट हो जाए, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ शिव भगवान की, कि कैसे शिव भगवान को अपने सामने बनाएंगे। बड़ी बड़ी आंखें हैं, थॉट, जैसे पेंटर बनाता है, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, उसको अपने सामने बनाएं। हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है, वो नाम दिल की हर धड़कन पर उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि वो हमारे दिल से निकल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, वाइब्रेट करता है शरीर के अंदर, उसके वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस परमात्मा के नाम में ही है, और किसी चीज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए नहीं। जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता चला जाएगा। होगा क्या, आपने शुरू तो कर दिया, जैसे आप करने बैठेंगे, शुरू किया, ऐसे ऐसे विचार आपके दिमाग के अंदर आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे जिंदगी के अंदर, ऐसे ऐसे विचार। उन विचारों को दबाइए नहीं, विचार को हटाइए। हम क्या करते हैं, विचारों को दबा देते हैं। जिस चीज को जितना ज्यादा दबाएंगे, उतनी ज्यादा जोर से वो विचार और आते चले जाएंगे, और मन करेगा कि भाग जाओ, उठ जाओ। हटाइए, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर दोबारा लगिए, फिर हटाइए, फिर लगिए। एक दिन ऐसा आएगा, आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका इष्ट आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा आपके सामने बैठ कर। यह है तरीका साकार रूप के पुजारियों के लिए, साकार रूप, जो परमात्मा को मानते हैं कि वह साकार रूप में विराजमान है। और सबसे इजी मेथड है साकार रूप का। दूसरे निराकार रूप, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बनाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। अब विश्राम के बाद सारे विचारों को एक तरफ रखिए, आधे घंटे का ध्यान कीजिए अपने वाहिगुरु का, बड़े प्यार से वाहिगुरु, दिल की हर धड़कन से वाहिगुरु, और कोई विचार सामने ना आए, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ओ ओ ओ, बड़े प्यार से। होगा क्या, थोड़े टाइम तक तो आपको आवाज सुनाई देगी, ओम वाहिगुरु। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, शुरू करेंगे वाहिगुरु से, कुछ टाइम के लिए आपको वैक्यूम नजर आएगा, आपकी जवान थक जाएगी, पर मन ये कहेगा कि वाहिगुरु का नाम चल रहा है और हम सुन रहे हैं। टेस्ट क्या है कि जैसे ही उस ध्यान की अवस्था, इतना आराम मिलता है ना, इतना आराम मिलता है ध्यान की अवस्था में जाने के बाद, अपना होश नहीं रहता, अपने होश से गायब, घर्राटे बढ़ते हैं लोग, जो रात को नहीं सोते हैं, बड़े आराम से उनको इतना जबरदस्त मन के अंदर नींद क्यों नहीं आती, जब तक मन के अंदर विचार चलते रहेंगे नींद नहीं आएगी। जैसे ही मन खाली विचार से हुआ, एकदम नींद आ जाती। यहां पर हम प्रैक्टिस यही कराते हैं ध्यान योग में कि मन विचारों से दूर रखिए उस पीरियड के अंदर। जैसे ही मन विचारों से दूर होगा, ऑटोमेटिक आपको इतना आराम, इतना आनंद मिलेगा कि आपको होश नहीं होगा, आपका बैठे होंगे। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा, आप निद्रावस्था से बाहर निकलेंगे, आपको वही नाम सुनाई देगा, ना कोई दूसरा नाम आपके जवान पर होगा और ना कोई बात आपके जवान पर होगी। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे,
गुरुवे ब्रह्मा गुरुवे वेद
विष्णु गुरुवेसि उडनी विनलेदा गुरुवे ब्रह्मा गुरुवे विष्णु गुरुवेसि उडनी विनलेदा मोक्षमु कोरे साधक हृदयमा सद्गुरु पादौ शरणदे श्री सद्गुरु पादौ शरणदे मनसा मरुव कुमा गुरु चरणम शुभकरमु भवकरमु माया मोह नाशन करमु मनसा मरुव कुमा गुरु चरणम प्रेम कुनिलयम सद्गुरु हृदयम ब्रह्म ज्ञान भाण्डागारम प्रेम कुनिलयम सद्गुरु हृदयम ब्रह्म ज्ञान भाण्डागारम सद्गुरु देवुला पावन शरणम मुक्ति प्रदम गुनु चेचुनुले मुक्ति प्रदम गुनु चेचुनुले मनसा मरुव कुमा गुरु चरणम सुभकरमु भवकरमु माया मोह नाशन करमु मनसा मरुव कुमा मदिलोन कोलिसे गुरु चरणमेंत मधुरम 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 मदिलोन कोलिसे गुरु चरणमेंत मधुरम 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 మధురం మధురం సద్గురుదేవుల రూపం పరమాత్మకు ప్రతిరూపం సద్గురుదేవుల రూపం పరమాత్మకు ప్రతిరూపం నడసినా కూర్చుండినా ఏ పని చేసినా మధురమే మధురం 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 మదిలోన కొలిచే గురు చరణమెంత మధురం మదిలోన కొలిచే గురు చరణమెంత మధురం సద్గురుదేవుల హృదయం సద్గురుదేవుల హృదయం నిత్యం ప్రేమకు నిలయం సద్గురుదేవుల హృదయం నిత్యం ప్రేమకు నిలయం నడసినా కూర్చుండినా ఏ పని చేసినా మధురమే మధురం 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 మదిలోన కొలిచే గురు చరణమే మధురం 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 ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।